तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता पतन न्यास का नामकरण जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया। इसके विपक्षी खेमे ने निंदा की। विपक्ष ने कहा कि वह गेम चेंजर के बजाय सिर्फ नाम बदलने वाले रह गए हैं। इसके बाद अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है कि कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल का नाम बदलकर रानी झांसी स्मारक महल कर दिया जाना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में कहा कि मैं कोलकाता में नवों के इस कथन का स्वागत करता हूं कि इतिहास की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्हें इस बयान का क्रियान्वयन विक्टोरिया मेमोरियल को रानी झांसी स्मारक महल के रूप में बदल कर करना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया ने 1857 में रानी झांसी के साथ विश्वासघात के बाद भारत की कमान संभाली और 90 सालों तक भारत को लूटा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को मंजूरी दे दी है। आज लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 50 सालों से बेहतर और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी। योगी ने कहा कि हमारी कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि एडीजे स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे जबकि 9 एसपी रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। उन्होंने कहा कि एक महिला एसपी रैंक की अधिकारी महिला सुरक्षा के लिए इस सिस्टम में तैनात होंगी। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के चलते आज विपक्षी दल दोपहर में बैठक करेंगे। विपक्ष पार्टियों की इस बैठक के साथ अपनी एकता दिखाना चाहती थी लेकिन इसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। इसके साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी विपक्ष की इस बैठक से खुद को अलग कर लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ट्वीट किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि बीएसपी, सीएए, एनआरसी आदि के विरोध में है। केंद्र सरकार से पुनः अपील है कि वह इस विभाजनकारी व असंवैधानिक कानून को वापस ले। साथ ही जेएनयू व अन्य शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों का राजनीतिकरण करना यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तरह अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। निर्धारित ड्रेस कोड के मुताबिक मंदिर में काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन के लिए अब पुरुष को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहनना होगा। इन्हीं पारंपरिक वस्त्रों के धारण करने के बाद ही काशी विश्वनाथ को स्पर्श किया जा सकेगा। अब जीन्स पैंट शर्ट और सूट पहने लोग दर्शन तो कर सकेंगे लेकिन उन्हें स्पर्श दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। आज लोहड़ी का त्यौहार है। मकर संक्रांति से पहले यह त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाबियों का प्रमुख त्यौहार है इसलिए इसके सबसे ज्यादा धूम पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है। लोहड़ी के दिन लोग इकट्ठे होकर अग्नि में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाते हैं और ढोल बजाकर नाच गाकर इस त्यौहार को मनाते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के खूंखार आतंकियों के साथ गिरफ्तार जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह ने आतंकियों को पहले चंडीगढ़ और फिर दिल्ली पहुंचाने के लिए कथित तौर पर लाखों रुपए की डील की थी। संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु से डीएसपी के कथित कनेक्शन की भी बात सामने आई है। आतंकी अफजल गुरु ने भी कथित तौर पर देवेंद्र सिंह का नाम लिया था। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी उछाल दर्ज किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 128.86 अंक यानी 0.31% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 46.55 अंक यानी 0.38% की बढ़त के स्तर पर खुला। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी के बीच कल एक बार फिर अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला किया गया। इराक के अलबलाद स्थित अमेरिकी एयरबेस पर 8 रॉकेट दागे गए जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 2 इराकी अफसर और 2 एयरमैन भी शामिल हैं। इस हमले को लेकर किसी भी ग्रुप या संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि अमेरिका शुरुआत में यह आरोप लगा चुका है कि इराक में ईरान समर्थित ग्रुप की ओर से यह हमला किया गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।